आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया के द्वारा वैकेंसी जारी किया गया। ये एक महाराष्ट्र की पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है। इसमें आपको तीन प्रकार की पोस्टें जारी की गई हैं एंड रेलवे की भी यहाँ पे आपको वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें आपको मेल सर्विस की रेलवे की वैकेंसी जारी की गई हैं। पोस्टमैन, मेल गार्ड और पोर्टल सर्विस और रेलवे मेल सर्विस की यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई हैं एंड यहाँ पर आपको MTS की भी पोस्ट मिल जाएगी। सभी पोस्टों के बारे में हम यहाँ पर एक एक डिटेल्स के साथ बात करेंगे। ये की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यदि आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी के बारे में और क्वालिफिकेशन के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं, आप यहाँ से चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ से फॉर्म को अप्लाई करना है और जहाँ से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। ये है आपकी ऑफिशियल साइट, यहाँ से आपको आवेदन करना है। आवेदन कब से करना है आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होगा वो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के रूप में जारी किया जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन के डिटेल्स में जाएंगे और वहाँ से नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। नोटिफिकेशन हमने आपको दिखाया है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की जो लिंक है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी जारी की गई है महाराष्ट्र की डाक विभाग में सीधी भर्ती है। आप लोग को इसमें टोटल 1371 पोस्ट जारी की गई हैं, 10वीं और 12वीं पे ये वैकेंसी जारी की गई हैं। MTS और पोस्टमैन मेल गार्ड की यहाँ पे वैकेंसी आपकी मिल जाएगी। ऑनलाइन इस फॉर्म को अप्लाई करना है, कैसे आवेदन करना है आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ हम बात करेंगे। चलिए यहाँ पे हम पहले बात करते हैं इस फॉर्म के डिटेल के बारे में। ये वैकेंसी आपकी जो जारी की गई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया महाराष्ट्र सर्किल के द्वारा वैकेंसी जारी किया गया है। पोस्ट नेम जो यहाँ पे आपको मिलेगा MTS, पोस्टमैन और मेल गार्ड की पोस्ट मिलेगी। 1371 पोस्ट इसमें टोटल जारी की गई है। कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है MTS में जो आपको पोस्ट मिलेगा 327 पोस्ट जारी की गई है। जनरल कैंडिडेट के लिए 184 पोस्ट है और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 104 पोस्ट है। EWS में कोई पोस्ट नहीं है। SC में 8 पोस्ट है, ST में 30 पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं। सेम उसी प्रकार यहाँ पे यदि हम बात करें मेल गार्ड के लिए तो मेल गार्ड में 15 पोस्ट टोटल है। जनरल के लिए 10 पोस्ट है, OBC के लिए 3 पोस्ट है और SC में 2 पोस्ट है। अदर किसी भी कैटेगरी में 9 पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं। पोस्टमैन के लिए यहाँ पे टोटल 1029 पोस्ट जारी की गई हैं, जिसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 638 पोस्ट है, OBC के लिए 96 है, EWS में कोई पोस्ट नहीं जारी की गई हैं और SC में 175 है, ST में 120। अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट मिलेगा 5 अक्टूबर 2020 से आप लोग ये फॉर्म अप्लाई करेंगे। 3 नवंबर 2020 तक ये वैकेंसी आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा जनरल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा और यहाँ पे SC ST PH के लिए भी यहाँ पे 100 रुपीज़ फ़ी रखी गई है। आल्फ महिला फ़ीमेल के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। फ़ी जो पेमेंट करने की मेथड रहेगी आपका ई पेमेंट, पोस्ट ऑफिस के द्वारा कैश पेमेंट कर सकते हैं या आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। एज के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे 3 नवंबर 2020 से आपकी एज काउंट होगी। मेल गार्ड और पोस्टमैन के लिए यहाँ पे जो आपकी एज मांगी गई है कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 27 वर्ष के कैंडिडेट ये वैकेंसी अप्लाई करेंगे। जस्ट उसी प्रकार यहाँ पे यदि हम बात करें MTS यानी कि मल्टी स्टाफ टास्किंग के लिए तो 18 से 25 वर्ष के कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं MTS यानी कि मल्टी स्टाफ टास्किंग और मेल गार्ड के लिए जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे ओनली आपके पास 10th की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10वीं की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या आपको वहाँ का लैंग्वेज आनी चाहिए, जस्ट वहाँ का लैंग्वेज और महाराष्ट्रीय मराठी आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए और गोवा का भी लैंग्वेज आपका स्टेट जो है वहाँ की भी जानकारी होनी चाहिए एंड आपको कंप्यूटर का नॉलेज होनी चाहिए इस आवेदन को सबमिट करने के लिए। यदि आप लोग पोस्टमैन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 12वीं की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इंटरमीडिएट यदि आप पास है तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे और यहाँ पे एक और कंडीशन बताई गई है, आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए और स्टेट गोवा की भी लैंग्वेज यहाँ पे आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए तभी आप ये वैकेंसी आवेदन करेंगे।
इस वैकेंसी को आप लोग अप्लाई करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से, ये वैकेंसी आपकी ऑफलाइन नहीं है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा ये फॉर्म। एंड यहाँ पे हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप इस वैकेंसी को आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, तो मेल और फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी ऑल ओवर इन इंडिया रहेगा। सिलेक्शन होने के बाद इंडिया में ये जॉब आपको कहीं पे भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे सैलरी के बारे में हम बात करते हैं। पे स्केल यहाँ पे जो आपकी जारी की गई है एमटीएस के लिए, यहाँ पे 18,000 से 56,000 रुपीस प्रत्येक महीने है, और पोस्टमैन के लिए 21,700 से 69,100 रुपीस प्रत्येक महीने है, और मेल गार्ड के लिए यहाँ पे 21,700 से 69,000 आपका 100 रुपीस प्रत्येक महीने यहाँ पे स्केल सैलरी है। सेलेक्शन प्रोसीड आपका यहाँ पे सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट जारी होगा, देन आपका होगा सिलेक्शन। आवेदन को सबमिट करने के लिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगी जाती हैं आपको अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपकी रहेगी, फोटोग्राफ, यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में आपकी फ़ोटो ली जाएगी, 50 KB की साइज होगी, और यहाँ पे पिक्सल जो मेंशन की गई है 200x230 पिक्सल की यहाँ पे फ़ोटो, सेम उसी प्रकार यहाँ पे सिग्नेचर की भी रहेगी। फ़ोटो की आपकी जो बैकग्राउंड होगी वो बिल्कुल लाइट बैकग्राउंड की होगी, चाहे आप ब्लू या कोई भी लाइट बैकग्राउंड का आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। रिसेंटली 2 मंथ या 5 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। और यहाँ पे सिग्नेचर जो आपकी रहेगी बिल्कुल वाइट पेपर पे आपका सिग्नेचर रहेगा, बॉल पेन से आपका सिग्नेचर रहेगा। और यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एसएससी यानी कि 10वीं की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये 10वीं की सर्टिफिकेट जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, 200 KB का यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा साइज से। कंप्यूटर की जो सर्टिफिकेट मांगी गई है, ये आपकी कंप्यूटर की सर्टिफिकेट आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट जेपीजी फॉर्मेट में लिया जाएगा, 200 KB का साइज होनी चाहिए। और उसके बाद डिसेबिलिटी, जो भी कैंडिडेट विकलांग है वो अपना सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे, आईडी प्रूफ में आप कोई भी एक अपना आईडी प्रूफ दे सकते हैं, चाहे आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई आप यहाँ पे एक अपना आईडी कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स देने के बाद आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। हाउ टू अप्लाई, आप इस वैकेंसी को कैसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए कुछ यहाँ पे डिटेल्स जो है वो मेंशन की गई हैं, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है ये वैकेंसी, आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन में लिखी गई हैं। यदि आप लोग ये ऑप्शन फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, आपको यदि अप्लाई करना है तो हमारी वेबसाइट पर आके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करनी है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएगा, इन सभी लिंक से आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। वैसे यहाँ पे आपको देखिए, ये है आपकी ऑफिशियल पेज, महाराष्ट्र की ऑफिशियल पेज है, आप यहाँ से भी आवेदन को करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ये भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों यदि आप हमारे वेबसाइट के पेज से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आना है, इस पेज का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे आने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, या आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या आप लॉगिन कर सकते हैं। इन तीनों ऑप्शन से आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप लोग हमारी वेबसाइट पर आए हैं तो नोटिफिकेशन आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यदि कोई सवाल हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और चैनल को आपने यदि हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मैं अपडेट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।